लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल प्यारे विद्यार्थियों नाउ वी डिस्कस अबाउट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स यू हैव लर्न एब प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दैट इज भाई इलेक्ट्रिकल वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ अ प्लास्टिक एज मैंसन द हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैंस आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक यानी प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का इसलिए जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर हैं उनमें प्लास्टिक का यूज किया जाता है डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री प्लास्टिक का बहुत बड़ी मात्रा में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यानी कि मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है सम एग्जांपल ऑफ देयर यूज आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट टैबलेट का यूज़ किया जाता है थ्रेड्स यूज फॉर स्टाइ स्टिचिकिंग वाउंड यानी कि घाव को बांधने के लिए जो धागे होते हैं उनका यूज किया जाता है सिरिंज का यूज किया जाता है डॉक्टर्स ग्लोव्स का यूज़ किया जाता है एंड आर नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे यूज़ किया जाता है स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज इन माइक्रोवेव्स यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में किसका माइक्रोवेव्स में ओवंस का कुकिंग फूड में इनका यूज किया जाता है इन माइक्रोवेव्स ओवन द हीट कुक द फूड वर्ड डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक बेसल्स तो यहाँ पे भोजन तो पकता है लेकिन किसी भी तरह से प्लास्टिक बेसल्स में फूड यहाँ पे अफेक्टेड नहीं होता है टेफलॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक टेफलॉन एक तरह की प्लास्टिक है जहाँ पर ऑयल और वाटर जो है नहीं ठहरते इस्टिक नहीं होते इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुक तो इसे नॉन स्टिक कोटिंग आ, में यूज किया जाता है कुकबर्स में यूज किया जाता है टाइप्स ऑफ वेस्ट में अगर हम बात करें पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ़ अप्रॉक्सीमेटली टाइम टेकन इन डीजनरेटेड वन से टू वीक नेचर ऑफ मटेरियल जो है बायोडिग्रेबल है ये पेपर दस से तीस दिन में uh, मतलब ये क्या हो जाते हैं डिग्रेड हो जाते हैं ये भी बायो है कॉटन uh, क्लॉथ्स जो हैं वो दो से पाँच मंथ में बायोडिग्रेबल है ये भी uh, बायोडिग्रेड हो जाते हैं डीकम्पोज हो जाते हैं लकड़ी दस से पंद्रह साल में बायोडिग्रेबल है ठीक है बुलन क्लॉथ यानी कि ऊनी कपड़े अबाउट आ ईयर एक साल में ही बायोडिग्रेबल हैं टेन एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल सौ से पाँच सौ साल में नॉन बायोडिग्रेबल हैं ठीक है प्लास्टिक बैग सेवरल ईयर बहुत सारे साल लगते हैं नॉन बायोडिग्रेबल है। तो कहीं ना कहीं हमें प्लास्टिक्स का यूज नहीं करना है ठीक है फायर प्रूफ प्लास्टिक भी होती हैं आल दो सिंथेटिक फाइबर्स कैच इजीली इन इंक्रीजिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मिलेमाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंस यानी कि यहाँ पर मिलेमाइन प्लास्टिक होती है वो आग से रेजिस्टेंस की कैपेसिटी रखती है प्लास्टिक एंड एनवायरमेंटल की अगर हम बात करें तो वैसे भी प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंटल के लिए कॉस्ट मतलब पैदा करती है तो वैन वी गो द मार्केट वी यूजली गैट थिंग्स रैपिड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलिथीन बैग दैट द बन रीजन भाई प्लास्टिक वेस्ट की गेटिंग एक्ुमलेटिंग इन अवर होम्स अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स बे टू द गार्बेज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक अ मेजर प्रॉब्लम तो यहाँ पे आप जानते हैं डिस्पोजल यानी कि प्लास्टिक को फेंकना एक बहुत बड़ी समस्या है है ना जहाँ भी देखो वहाँ गार्बेज के फॉर्म में हमको प्लास्टिक देखने को मिलती है कहीं ना कहीं ये सीवेज वगैरह को ब्लॉक कर देते हैं हमने अपनी बुक में पढ़ा था है ना अब मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड बायोडिग्रेबल यानी कि जो बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज हो जाए वो कैसे हैं बायोडिग्रेबल हैं और जो बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज ना हो सकें वो नॉन बायोडिग्रेबल हैं है ना स्टूडेंट्स